नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के भागलपुर हंसरिया मुख्य मार्ग पर संझा गांव के वहियार से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सबको देखने के लिए वहियार में लोगों की भीड़ जुट गई। युवक के शरीर पर जख्म के कई गहरे निशान थे। देखने से लगता है किसी ने युवक की हत्या कर सबको ठिकाने लगाने के लिए वहियार में फेंक दिया था। मृतक की पहचान सिकनपुर गांव के विनोद यादव के पुत्र नितेश कुमार के रूप में हुई है। युवक शनिवार के रात को ही घर से अपने बाइक से निकला था, जो लौटकर वापस नहीं आया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। मृतक के पिता विनोद यादव ने बताया कि उसका बेटा नितेश शनिवार को ही रात 8 बजे अपने घर सिकनपुर से निकला था। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर पता भी लगाया गया, लेकिन कुछ मालूम नहीं चल सका। सुबह संझा के कुछ ग्रामीणों ने सुजाल कोरमा की ओर जाने वाली सड़क किनारे बाइक पड़ा देख फोन पर इसकी जानकारी दी। पहुंचने पर वहियार में लोगों की काफी भीड़ थी। पास जाकर देखा तो बेटे का शव पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर जख्म के कई निशान थे ही, साथ ही उसका एक हाथ भी तोड़ दिया गया था। इसकी जानकारी रजौन थाना को दी गई। युवक का शव वहियार से मिलने की सूचना मिलते ही रजौन थाना अध्यक्ष बुद्धे पासवान दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में ले लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि युवक के शरीर पर जख्म के निशान पाए गए हैं। देखने से लगता है कि युवक को लोहे की सरिया से प्रहार किया गया है, साथ ही चाकू भी मारा गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इसमें प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आ रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, जांच के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। वहीं मृतक युवक के पिता विनोद यादव के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। आज ये लाश पाएगी, कौन है आपके? ये मेरा लड़का है। तो कुछ बताएंगे कल कितने बजे निकला था घर से? नहीं तो बताया, उन्होंने हमको बताया घर से निकला 8 बजे तक तो घर में था। और उसके बाद आपको कैसे पता चला कि आपकी लड़के की हत्या हो गई है? हत्या के नहीं, मोटरसाइकिल के बारे में कोई आदमी यहाँ से हमको फोन किया तो वही हम यहाँ। पंचवारा थाना पुलिस ने रविवार को एक यात्री बस से 23 बोतल विदेशी शराब जब्त कर लिया। पंचवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह को इस मार्ग से यात्री बस के जरिए शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर रविवार सुबह गोड्डा से भागलपुर जा रही एक यात्री बस से पंचवारा में उत्पाद विभाग चेक पोस्ट के समीप जाँच के दौरान बस के लैगेज से एक काले रंग के बैग में इवनिंग मोमेंट ब्रांड का 375 मिली मात्रा का 23 बोतल विदेशी शराब बरामद कर लिया गया। वहीं पूछताछ के दौरान किसी भी यात्री ने बैग को लेकर स्वीकारोक्ति नहीं की है। पुलिस ने विदेशी शराब से भरे अज्ञात बैग को जब्त कर लिया है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का दूसरा फेज शनिवार से शुरू हो गया। फ्रंटलाइन वॉरियर को यह टीका लगाया जा रहा है। पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका लगाया गया था, जिसका परिणाम जिले में अब तक सुखद है। शनिवार को पुलिस कर्मियों व प्रशासनिक पदाधिकारी एवं कर्मी को टीका दिया गया। इस मौके पर CS डॉक्टर सुधीर कुमार महतो खुद मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों के टीकाकरण के लिए DRCC को तैयार किया गया था, जबकि पुलिस कर्मियों के टीकाकरण के लिए समुख्या पुलिस केंद्र में कैंप बनाया गया था। शनिवार को 40 प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मियों को सुरक्षित तरीके से कोविशील्ड का पहला डोज दिया गया, जबकि पुलिस केंद्र में 80 कर्मियों को यह टीका लगाया गया। समुख्या पुलिस केंद्र में कोविशील्ड टीका का शुभारंभ SP अरविंद कुमार गुप्ता ने टीका लेने के साथ किया। SP ने बताया कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है, सभी को टीका लगवाना चाहिए। SP के बाद ASP अभियान एवं अन्य अधिकारियों ने टीका लगाया। पुलिस केंद्र में 80 टीका लगाया गया। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के मकदुमा गांव में एंटी लीकर टास्क फोर्स के नेतृत्व में की गई छापेमारी अभियान के तहत 10 लीटर देसी शराब के साथ अन्य सामान को जब्त किया गया। हालांकि पुलिस कर्मी को देखते ही तस्कर फरार होने में कामयाब हो गया। मौके पर छापेमारी अभियान का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि मकदुमा गांव स्थित झिटका बांध पर धड़ल्ले से अवैध शराब निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस बलों के साथ छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके तहत झिटका बांध के समीप 2 प्लास्टिक के गैलन में लगभग 10 लीटर देसी शराब, 1.5 लीटर का गैस सिलेंडर एवं पाइप रेगुलेटर को जब्त किया गया है। वहीं मौके से पुलिस को देखते ही शराब विक्रेता फरार होने में कामयाब हो गया। फरार तस्कर की पहचान मकदुमा गांव निवासी अशोक चौधरी का पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। जब शराब मामले को लेकर एंटी लीकर टास्क फोर्स के पुलिस अवर निरीक्षक राम छबीला शर्मा के लिखित आवेदन पर उत्पाद अधिनियम के तहत अमरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी अभियान में ASI उपेंद्र यादव, सिपाही विभास सिंह, प्रेमदत्त कुमार, प्रभाकर कुमार, STF के जवान हरिशंकर ठाकुर उपस्थित थे।
अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय के नेतृत्व में अवैध शराब विक्रेताओं की धरपकड़ के लिए चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत क्षेत्र के बलिया गांव से 70 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। वहीं शराब बनाने के लिए रखी गई 200 किलो फुलाया हुआ महुआ का विनिष्टीकरण किया गया। पुलिस अधिकारियों को देखकर शराब विक्रेता फरार होने का प्रयास करने लगे, जिसे थाना अध्यक्ष ने खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक बलिया गांव निवासी आशीष मरांडी बताया गया। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि बलिया गांव में धड़ल्ले से शराब बिक्री का धंधा किया जा रहा है। सूचना मिलते ही बलिया गांव में छापेमारी अभियान चलाकर शराब विक्रेता युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। अमरपुर थाना क्षेत्र के सिहुड़ी गांव स्थित आम के बगीचे एवं खलियानों के मनोरम वादियों में रविवार के दिन भोजपुरी फिल्म मर्डर लाइफ ऑफ डील के गानों की शूटिंग फिल्मकारों के द्वारा किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में हो रही शूटिंग की सूचना मिलने पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शूटिंग स्थल पर पहुंच गए। शूटिंग में फिल्म के निर्माता सह अभिनेता सौरभ दीवाना ने फिल्म की अभिनेत्री इशिका गुप्ता के साथ किया जा बेवफा जियब तोहरे बिना के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। फिल्म में निर्देशक पप्पू राज, कोरियोग्राफर समील सिंह रवि, अभिनेत्री इशिका गुप्ता, सपना कुमारी, दीपू कुमारी, कॉमेडियन मोहित कुमार, कैमरामैन दीपक कुमार एवं निर्माता यश माहिली मौजूद थे। मौके पर फिल्म के निर्देशक ने बताया कि इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं, जिसकी एक गाने की शूटिंग सिहुड़ी गांव के मनोरम वादियों में फिल्माया गया। इस दौरान फिल्म की शूटिंग की सूचना मिलने पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शूटिंग स्थल पर पहुंच गए। इस लाइन में बहुत अच्छा लगा था, मैं दूसरे को देख रहा था तो मुझे भी शौक होता था कि मैं भी इस टीवी में आऊं और हमें भी अच्छा लगेगा, और मेरा सपोर्ट भी पब्लिक लोग भी सपोर्ट कर रहे, बहुत सारे किए हुए। तो आज मेरा ऐसा लगा कि मैं अपने क्षेत्र आऊं और यहां पर शूटिंग करूं, जो हमारी पब्लिक जितने भी गांव की है, समाज सिहुड़ियों की जितनी वासी हैं, वो हमें प्यार दुलार दें। इसके पूर्व भी आपने? जी मैंने किया बाका जिला सुपर स्टार, उसको कैसा रिस्पॉन्स कैसा? अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला उसी से, मतलब हाँ मेरा हौसला बढ़ते जाए उसी फिल्म से। और आज हमारे जो साथ में है, जो ये ऋषिका गुप्ता जो रिलीज आई हुई है, और हमारे ये भाई कोरियोग्राफर है, और हमारे भाई सुशील कुमार जो मेरा बहुत अपना करीब से मानते भी हैं इनको। और इनके बाद आप लोग कहाँ शूटिंग कीजिए? इनकी इसके पहले से हम लोग शूटिंग जमशेदपुर में करके आए हुए हैं, टाटानगर में। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।